अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, क्या भाई भाई की दुश्मनी के कारण बहू होती है या फिर भाई भी खुद इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में पूरी तफसील के साथ बयान करने वाला हूँ, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई भाई की हमेशा पटती है, झगड़ा नहीं होता है। फिर कभी कभी देखा जाए तो भाई भाई जो है एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दोस्ती की तरह रहते हैं। लेकिन जब भाई एक भाई की शादी हो जाती है, यानी हो जाती है सगाई और आ गई लुगाई, तो भाइयों के बीच खुद हो गई गहरी खाई। जी हाँ दोस्तों, ये हकीकत है। वैसे देखा जाए एक ही फैमिली के चार भाई हमेशा शादी से पहले एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक ही फैमिली के अंदर एकजुट होकर रहते हैं। और जैसे ही एक की शादी हो जाती है, मामला तो सब ठीक ठाक पहले जैसा ही चलता रहता है। ठीक इसके बाद दूसरे भाई की जब शादी हो जाती है, तब ये सभी भाई के अंदर जो है एक मनमुटाव होने लगता है। इसके बाद जब चारों की शादी पूरी हो जाती है, तब वही घर जो है एक कुरुक्षेत्र बन जाता है। और इसका मुख्य वजह उनकी जो पत्नियां होती है वो आपस में एक दूसरे के से जो है मतविरोध हो जाता है, एक दूसरे को समझ नहीं पाती है और गलत समझ के वजह से और बिना मोहब्बत के वजह से जो है आपस में सामंजस्य नहीं रख पाती है और एक दूसरे में लड़ जाती है और इसी से जो है घर टूटने लगता है। भाई भाई में दुश्मनी का कारण वो ना होकर भी कुछ चीज़ें जो है वो भाई के ऊपर भी दर्शाता है। और अक्सर देखा गया है कि जब सभी के अपने परिवार बस जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, अपने अपने परिवार में ही खुश रहने लगते हैं। ऐसे स्थिति में लोग अपने नई परिवार पर ध्यान ज़्यादा देते हैं और पुराने परिवार पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। और यही वजह है कि दो भाइयों के बीच आपसी झगड़ा का कारण बन जाता है। अपना नया परिवार बसाते समय हर भाई को चाहिए कि वो अपनी पत्नी की बुरी बातों को ना मानकर कोई अच्छी बातों को माने और समझाए कि उसके आने से पहले हम लोगों के बीच आपस में बहुत अधिक प्रेम था और हम लोग एक ही माँ बाप के संतान है, इसलिए सदा एक दूसरे को एक होकर एकजुट होकर रहना चाहिए। यदि दूर दूर भी है तो भी हमारे विचार समान ही रहना चाहिए। यदि हम तुमसे चाहते हैं तो देखना, कभी भी दो भाइयों के बीच टकरार यानी कि मत विरोध नहीं होएगा। यदि ये भाई स्वयं ही अपने पत्नी की बातों को मानते रहे और पत्नी भी इनके गलत सलाह देती रहे, तो जाहिर सी बात है कि दोस्तों दोनों भाइयों में टकरार लड़ाई हमेशा लगा रहेगा। और यदि पत्नी अच्छी हो तो वो लड़ाई को भी दोनों भाइयों के दोस्ती में बदल देती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस यही आप लोगों को शेयर करना था। आप लोगों की राय क्या है, क्या भाई भाई के दुश्मनी के कारण बहुएं होती है या भाई के भी कुछ गलत विचार होते हैं, कमेंट सेक्शन पर जाकर जरूर कमेंट्स कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त। दुआ की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़।